देखिए, आज थाना जो रानी की सराय और थाना कोतवाली, थाना सिधारी, मुबारकपुर, जहानागंज, निजामाबाद, इस तरीके से टोटल मिला के 16 जो चोरी की जो घटनाएं हैं उसका अनावरण किया जा रहा है, जिसमें अभी हम लोगों ने इसमें 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जो एक है अमन पुत्र असलम, ये कोतवाली के रहने वाले हैं। दूसरे हैं दीपक गुप्ता, ये थाना कोतवाली के रहने वाले हैं। रोशन अली है, इसके अलावा सरफराज हैं, सहबान हैं और मोहम्मद हुसैन उर्फ जिनकू, और इसके अलावा 4 इसमें बाल अपचारी है। इन सभी को इसमें गिरफ्तार किया गया। और एक जो अभियुक्त है जाहिद पुत्र आमिर, ये किसी अन्य मामले में पूर्व में जेल में निरुद्ध है। और एक व्यक्ति इनमें से जो भाग गया, मुकुल वर्मा। टोटल मिला के इन लोगों की आज, 7 लोगों की आज गिरफ्तारी की गई है। और इनके पास से करीब एक मोटरसाइकिल मिली है, बुलेट मोटरसाइकिल, और 2 ई-रिक्शा मिले हैं। इसके अलावा अन्य जो कई इस तरह की जो सामग्री जो इन्होंने इन सभी घटनाओं में चोरी की गई थी, इनकी कीमत करीब 7 लाख रुपए के आसपास में है। और ये लोग लगातार पिछले कई दिनों से चोरी कर रहे थे, और शहर में और आसपास के जो थाने हैं इन सभी में चोरी की घटनाएं लगातार हो रही थी। हम लोग इसमें काफ़ी दिन से प्रयास कर रहे थे कि इस तरह की जो घटनाएं कैसे हो रही है। तो जानकारी ये मिली थी कि ये लोग रात्रि में ई रिक्शा लेकर निकलते थे, और जहाँ पर भी इनको लगता था कि किसी घर में कोई रह नहीं रहा है या कोई मतलब चला गया है, उसको पहले दिन में चिन्हित कर लेते थे, और उसके बाद में फिर रात्रि में जाके लोग उसमें चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। और ये काफ़ी दिनों से चोरी कर रहे थे, और इन्होंने अब तक करीब 16 जो घटनाएं वो किए हैं। और इसमें कोतवाली की 5 घटनाएं, सिधारी की 4 घटनाएं, रानी सराय की 2 घटनाएं, कंदरापुर की 1 घटना है, निजामाबाद की 2 घटनाएं, बिलरियागंज की 1 घटना है और मुबारकपुर की 1 घटना है। ऐसे टोटल मिला के 16 घटनाओं का इन्होंने कारित किया है। और इनके जो इनसे संबंधित जो सामान की इनसे बरामद की गई है, इसमें करीब इनके पास से 28,000 रुपया और करीब नकद मिला है। और इसके अलावा जो बाकी सामान मिले हैं, एक मोटरसाइकिल मिली है, 2 ई-रिक्शा मिले हैं। इन सभी को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। और इस पूरी जो टीम में जो इन्होंने काम किया था उसको भी मेरी तरफ से 10,000 रुपये का नकद पुरस्कार भी इसमें दिया जा रहा है, क्योंकि लगातार इस तरह की जो घटनाएं हो रही थी वो पुलिस की जो साख पे एक तरीके से ये लोग प्रश्न चिन्ह लगा रहे थे। और हम लोग ये प्रयास करते हैं कि कोई घटना ना हो, लेकिन ये लोग ई रिक्शा का इस्तेमाल करते हुए, और पुलिस को भी लगता था कि ई रिक्शा वाला है, लेकिन ये ई रिक्शे का जो इस्तेमाल है वो गलत तरीके से कर रहे थे, चोरी के लिए उसको इस्तेमाल कर रहे थे जिससे कि कोई पकड़ा ना जा सके। और इसमें हमारी टीम ने काफ़ी मेहनत किया है, और इन सभी घटनाओं का एक सफल अनावरण इन्होंने किया है। सर, अलग अलग हैं या ये गैंग है? ये इन्होंने एक गैंग बना रखा था, और फिर ये सारा सामान बेचना, इसमें कबाड़ी भी है जिनके यहाँ पे सामान बेचते थे। इसके अलावा इसमें जो भी घर में बर्तन मिलते थे, सोने चांदी के सामान मिलते थे, उन सबको अलग अलग जाके ही बेचना, और फिर उसके बाद में आपस में जो पैसा मिलता था उसको बांट लेते थे। अभी तक की जो जानकारी मिली है, इन्होंने यहाँ पे घटना की, और एक घटना इनके द्वारा प्रकाश मारी है कि इन्होंने एक माऊ में भी घटना की है, उसकी जाँच हम कर रहे हैं कि इन्होंने उसमें कहाँ से चोरी किया था।